हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मिशनाई नर्सिंग क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एमएल सैनी, नर्सिंग ऑफिसर। तो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जिपमेक करिकल के सेकंड पार्ट की। जो मैंने कल आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, आज रिमेनिंग जो क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो आपको इस पार्ट में सोल्व कराऊंगा। तो दोस्तों, बने रही इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें अपन आंसर की विद रेशनल विद मेमोरी बेस्ड पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों? तो चलते हैं, अब अपन आज इस पेपर को सॉल्व करते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट पहली बार अगर हमारे वीडियो चैनल पर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, ठीक है? चलते हैं, अपन आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने कल जो पार्ट फर्स्ट अपलोड किया था उसमें मैंने सभी स्टूडेंट्स के कमेंट रिव्यू किए हैं, सभी कमेंट्स देखे हैं। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ, देखिए आपके एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन था, क्या क्या ऑप्शन थे, वो आपको पता है, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ सोशल मीडिया से पेपर कलेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन भी चेंज हो सकता है, तो आप उसके हिसाब से ही क्वेश्चन का हम आंसर मानेंगे। कल मैंने स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था दो तीन क्वेश्चन पर, तो आज मैं उनको क्लियर करवाना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन में कुछ एक मिस्टेक भी हुई थी, तो वो भी मैं आज क्लियर करवाना चाहता हूँ इसमें। उसके बाद में अपन 20 क्वेश्चन से आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, अब बात करते हैं अपन सबसे पहले ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट करके बता रहे थे कि इसका आंसर होगा रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। देखिए, रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग तब होगा, आप एक बार क्वेश्चन वापस रिव्यू करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए कॉन्शियस क्लाइंट, क्लाइंट है वो बिल्कुल कॉन्शियस है, बिल्कुल स्टेबल है, कॉन्शियस है, स्टेबल है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में है, पोस्ट ऑफ वार्ड में है। तो आपका रेट एंड डेप्थ ऑफ रिस्पिरेशन देखने का मीन ही नहीं होता यहाँ पर। ये एक जब पेशेंट को ऐसे हिस्ट्री हो, डिफिकल्टी हो ब्रीथिंग हो, या कुछ और कुछ एसपीओटू डिटेरियोरेट हो रही हो, तब अपन को लगता है कि चलो रेट एंड डेप्थ ऑफ रिस्पिरेशन अपन को ब्रीथिंग देखना इट इज़ ए कंपल्सरी है। बट गैग रिफ्लेक्स चेक करना तो कंपलसरी है कि नहीं है पोस्ट ऑफ पार्ट में? अगर आप पोस्ट ऑफ पार्ट में मान लीजिए पेशेंट को फ्लूड देना स्टार्ट कर रहे हो, लिक्विड देना स्टार्ट कर रहे हो, तो बिफोर गिविंग टू या बिफोर एडवाइजिंग लिक्विड यू शुड बी चेक गैग रिफ्लेक्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द एस्पिरेशन, ठीक है? तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, उसके बाद में आंसर दो। पेशेंट कॉन्शियस क्लाइंट स्टेबल है और सेडेशन लिया हुआ, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। तो अब सेडेशन लिया तो बेसिकली बात है आपका जो क्या होगा, हाँ वो आप समझ रहे हो कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है, लेकिन पेशेंट इज द कॉन्शियस, कोई ऐसी कुछ भी स्टेज नहीं दे रखी क्वेश्चन में, इसलिए एज पर माय ओपिनियन इसका आंसर है जो एबिलिटी टू स्वालो लिक्विड ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ और जो कंडीशन देता क्वेश्चन में तो रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग भी ऑप्शन पर जा सकता था, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन को पूरा देखना, उसके बाद में ही अपन को, इसके बाद एक क्वेश्चन था, एक आध क्वेश्चन और था, हाँ एक ही क्वेश्चन था 4 नंबर का, हालांकि इसमें मैंने सुधार कर दिया है। इसमें क्या है, प्लाज्मा प्रेसिस का, प्लाज्मा प्रेसिस, व्हाट इज द प्लाज्मा प्रेसिस, ठीक है? तो इसका क्या है, देखो ऑप्शन ए बी राइट है, रिमूव एक्सेसिव फ्लूड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम और रिमूव सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, या जो कुछ डेंजरस एंटीबॉडीज होती है उनको रिमूव किया जाता है। ये दोनों ही इसके ऑप्शन हो सकते हैं, 1 और 3 नंबर। तो मैंने यहाँ पर इसका रेशनल में भी चेंज कर दिया है, ए एंड सी। इसका प्लाज्मा प्रेसिस इज अ प्रोसेस इन विच द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड और प्लाज्मा एंड एंटीबॉडीज इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड सेल्स, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हुआ था, तो उसका मैंने स्टूडेंट्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग इसमें और अच्छे से देखकर इस पर सुधार कर दिया है। इसके लिए मैं अपोलॉजी स्वीकार करता हूँ, ठीक है? अब आगे अपन बात करते हैं, एक आध और क्वेश्चन में स्टूडेंट्स का कुछ कमेंट आ रहे थे वो भी मैं क्लियर करवा दूँ। ये क्वेश्चन था 20 नंबर का। देखिए, आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हो, मैं हर बार आपको एडवाइज करता हूँ कैसे एग्जाम क्रैक करना है, हर बार आपको बताता हूँ, बट तो आप हर बार वही गलती करते हो। डेफिनेटली इस क्वेश्चन में भी आप एग्जाम में यही गलती करके आए हो, आपने सिर्फ यहाँ तक पढ़ा इस क्वेश्चन को, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर डाउन सिंड्रोम, सिर्फ यहाँ तक 80% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सिर्फ यहीं तक पढ़ा है, ये मैं गारंटी के साथ 8-16 वीक बहुत ही कम स्टूडेंट ने ये पढ़ा है कि कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ डाउन सिंड्रोम 8-16 वीक, सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा आपने और इसका आंसर दिया आपने क्या,
न्यूट्रल वो वाला न्यूट्रल ट्रांसलेसी वाला आपने इसका राइट आंसर दिया है, जो इसमें मेरे ख्याल से डी ऑप्शन जो इसमें ब्लड कल्चर आया है ना मेरे पास, शायद डी ऑप्शन में आपके न्यूट्रल ट्रांसलेंसी था, उस आपने वही राइट आंसर किया है डेफिनेटली, मुझे पता है। लेकिन ये आपका ऑप्शन, आपका आंसर रॉन्ग है माय डियर, दिस इज रॉन्ग आंसर। पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो, कभी भी मैं आज भी फिर आपको एडवाइस कर रहा हूँ, उसके बाद ही या तो कमेंट करो मेरे को, कमेंट करके बताओ। अब आप मेरे को कमेंट करके मेरे को और बता रहे हैं सर आपका आंसर गलत है, जबकि आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। इसका पढ़ो, कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ डाउन सिंड्रोम एट 16 वीक, 16 वीक पर होता है एमनियोसिंथेसिस इज द राइट आंसर। ओके, अगर ये 12 वीक की बात करता, 12 वीक की बात करता तो आपका न्यूट्रल ट्रांसलुएंसी राइट हो सकता था, जो किसके थ्रू किया जाता है, यूएसजी के थ्रू, तो इसमें यूएसजी राइट हो सकता था। 10 से 12 वीक की बात करें तो क्रोनिक विलाई सैम्पलिंग, 10 से 12 वीक पर सीवी सैम्पलिंग होता, ठीक है। तो आप एक टाइम ड्यूरेशन भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसका राइट आंसर यही होगा, एमनियोसिंथेसिस, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं आप आज। फर्टिलिटी टेस्ट डन एट, देखिए फर्टिलिटी टेस्ट है वो कब किया जाएगा, जब ओवुलेशन होगा उसके आसपास, तो 1 to 2 आवर आफ्टर ओवुलेशन, ठीक है, राइट आंसर है। आप इसमें तो कोई डाउटफुल नहीं है, मेनस्ट्रेशन साइकिल के आसपास ही सब ऑप्शन आप देख सकते हो, बाकी इसमें 1 to 2 आवर आफ्टर ओवुलेशन, क्योंकि आपको पता है जो ओवम का वाइबल पीरियड होता है 36 से 48 आवर होता है, किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू सॉन्डर्स, मोस्टली में शायद 24 से 36 आवर मान रखा है, ठीक है, जो इसका ओवम का वाइबल पीरियड है वो। प्रेग्नेंट वुमेन हैव स्मूथ रेड टंग एंड अल्सर एट माउथ एड्स, ए प्रेग्नेंट वुमेन हैव स्मूथ रेड टंग एंड अल्सर एट माउथ एज, यानी किसके माउथ के किनारों पर है जो वहाँ पर अल्सर हो रखा है और रेड टंग है, एंड हर एच बी लेवल 5, विच टाइप ऑफ एनीमिया करें। देखिए ये जो क्लिनिकल फाइंडिंग है, स्मूथ रेड टंग एंड अल्सर एट माउथ एज और एच बी लेवल इज 5, दिस इज द क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ द फोलिक एसिड डिफिशियंसी, ठीक है। ये सिकल सेल एनीमिया की डिफिशियंसी नहीं है, थैलेसीमिया में माइनर या मेजर डिफिशियंसी नहीं है, फोलिक एसिड डिफिशियंसी में सबसे बड़ी इसका कार्डिनल साइन की अगर हम बात करें फोलिक एसिड डिफिशियंसी की, तो उसमें क्या होता है, अल्सर एट अराउंड द माउथ या अराउंड माउथ एज, ये इसका कार्डिनल साइन कह सकते हैं। तो देखिए फोलिक एसिड डिफिशियंसी इज द टाइप ऑफ एनीमिया, क्लिनिकल फीचर्स इंक्लूड सेंसेशन ऑफ वीकनेस, नमनेस एंड टिंगलिंग ऑफ फिंगर्स एंड टॉइज, अल्सर इन द माउथ, शॉर्ट टंग एंड फीलिंग ऑफ वीकनेस एंड लो एच बी लेवल, ठीक है। देखिए और एक्सक्यूज मी, एक देखो मैं इस क्वेश्चन का जो 20वां नंबर क्वेश्चन था ना, 20वां नंबर का पूरा डिटेल मैंने रेस्ट एंड लोड दिया है यहाँ पर, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसरी लोब ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सेंसरी लोब कौन सा है, दिस इज द पेराइटल, फ्रंटल, ऑक्सिपिटल, टेम्पोरल, सेंसरी लोब कौन सा है, पेराइटल लोब, ठीक है। पेराइटल लोब इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सेंसरी इंटरप्रिटेशन लाइक एज टच, प्रेशर, स्मेल, एक्सेट्रा। वेन बाथिंग ए पेशेंट्स एक्सट्रीमिटीज, द नर्स शुड यूज लॉन्ग फर्म स्टॉक्स फ्रॉम द डिस्टल टू द प्रोक्सिमल एरियाज, दिस टेक्निक प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्किन असेसमेंट, अवॉइड्स अनड्यू स्ट्रेन ऑन द नर्स, इंक्रीज वीनस ब्लड रिटर्न, कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज सर्कुलेशन, दिस इज राइट आंसर इज अवॉइड सॉरी इंक्रीज वीनस ब्लड रिटर्न, राइट आंसर इंक्रीज वीनस ब्लड रिटर्न सी, यूजिंग स्टॉकिंग इज हेल्पिंग फॉर इंक्रीज वीनस ब्लड रिटर्न। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें भी मुझे पता डेफिनेटली आपके कमेंट्स आएंगे, आप कंफ्यूज होंगे मुझे पता है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, कंजेनाइटल एनोमलीज, फिटल एनोमलीज, एम्ब्रायोनिक डिफेक्ट और मैटरनल कॉज। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, मेरे ख्याल से आप सब ने इस क्वेश्चन को कंजेनाइटल एनोमलीज करके आए होंगे, लेकिन इसका आंसर कंजेनाइटल एनोमलीज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। आप मोस्टली साइज सॉन्डर्स पढ़ लेना, सॉन्डर्स में और मोस्ट में दोनों में साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है अबॉर्शन का वो होता है एम्ब्रायोनिक डिफेक्ट। एम्ब्रायोनिक डिफेक्ट में कौन से आ जाएंगे, क्रोमोसोमल डिफेक्ट वो होंगे जो एम्ब्रायोनिक पीरियड में, यानी कि 8 वीक तक जो होता है जो फर्टिलाइज्ड कंसेप्शन होता है 8 वीक तक, उसको क्या बोलते हैं अपन, एम्ब्रायो।
एम्ब्रियो, ठीक है। अब एम्ब्रियो में जो डिफेक्ट्स होंगे, जो मोस्टली क्रोमोसोमल डिफेक्ट होंगे, उसके कारण जो अबॉर्शन होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब कंजेनाइटल एनोमलीज की बात करें, कि आप सोच रहे हो कि कंजेनाइटल एनोमलीज क्यों नहीं है। कंजेनाइटल एनोमलीज का मतलब है, देखिए, जन्मजात बीमारियां कुछ भी हो सकती है, जैसे कि इन बोर्न इरेरो मेटाबोलिज्म हुआ, फिनाइल कीटोन यूरिया हुआ, या फिर गलेक्टोसीमिया हुआ, ऐसे जो मेटाबोलिक हुई फिजियोलॉजी, जो ये सब डिजीज की किस्म आ जाए कंजेनाइटल एनोमलीज में, तो इनकी वजह से एबोर्शन नहीं होता, ये बात अपन को भी पता है, ठीक है। तो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज होगी, उस कारण से एबोर्शन होगा। तो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज कौन से पीरियड में हो रही है? एम्ब्रायोनिक पीरियड में। तो क्या होगा राइट आंसर है? एम्ब्रायोनिक डिफेक्ट। अगर एम्ब्रायोनिक डिफेक्ट की जगह ऑप्शन होता क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज, तो वो भी राइट आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर कंजेनाइटल एनोमलीज नहीं होगा। कंजेनाइटल एनोमलीज तभी होगा जब यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे, एम्ब्रायोनिक भी नहीं होगा और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। फिटल एनोमलीज की बात करें, फिटल तो 8 वीक के बाद में हो गया, तो 8 वीक के बाद में, या 8 वीक के बाद से लेकर लास्ट बर्थ तक अपन फिटस मानते हैं, तो वो अलग फर्स्ट ट्राइमेस्टर को पार कर जाता, तो फिटल एनोमलीज नहीं होगा। मेटरनल कोज होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में। अगर सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर अबॉर्शन हो रहा है, तो वहाँ पर मेटरनल कोज अप्लाई होते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज और एम्ब्रायोनिक डिफेक्ट, नॉट कंजेनाइटल एनोमलीज। ओके डियर, फिर भी मेरे को आपके इस क्वेश्चन के ऊपर सुझाव आमंत्रित है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स करके बता सकते हो आपका कोई व्यू हो तो इस क्वेश्चन को और अच्छी तरह से क्लेरिफाई करने का। एक क्लिनिक नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग मोनोवेलेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इंट्रामस्कुलरली टू ए न्यूबॉर्न प्रायर टू हॉस्पिटल डिस्चार्ज, विच साइट इज बेस्ट फॉर द नर्स टू प्लान फॉर एडमिनिस्ट्रेट द इंजेक्शन। देखिए, IM इंजेक्शन लगाना है, हेपेटाइटिस बी का पता है आपको, IM रूट से लगाते हैं हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। तो मोस्ट कॉमन साइट फॉर IM इंजेक्शन इन इन्फेंट कौन सी होगी? डेल्टोइड, वेंट्रोग्लूटल, डोर्सोग्लूटल, वास्टर लेटरलिस। तो राइट आंसर आपको पता ही है, ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन हर बार आता है, वास्टर लेटरलिस इज द राइट आंसर फॉर द IM इंजेक्शन। इट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द IM इंजेक्शन इन द इन्फेंट्स। ओके, लेबोरेटरी ट्यूमर मार्कर फॉर लिवर कैंसर। लिवर कैंसर के लिए ट्यूमर मार्कर क्या होता है? FBCA125, SCG, PCA, PSA, चारों समझाऊंगा रेशनल में। देखिए रेशनल क्या कहता है, फॉर लीवर कैंसर AFB एल्फा फिटोप्रोटीन होती है, ये जो ट्यूमर मार्कर होता है किसके लिए? लीवर कैंसर के लिए। CA125 कार्सिनो एम्ब्रायोनिक, CA का फुल फॉर्म क्या है? कार्सिनो एम्ब्रायोनिक, किसके लिए? GI ट्रैक्ट एंड ओवरी। देखिए इसको मैंने ट्रिक में लिखा है गो, आपको कैसे याद करना है? CA गो, CA आप समझ लो चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है, उसको आप कह रहे हो गो चले जाओ, ठीक है। इसे आप याद कर सकते हो, CA से कार्सिनो एम्ब्रायोनिक। अब यहाँ पर 125 आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, क्योंकि 125 इसका पूरा CA 125 है। अब CA को आप कह रहे हो कि गो चले जाओ, गो जिससे GI ट्रैक्ट, जिससे GI ट्रैक्ट और ओ से ओवरी, ठीक है। तो CA125 किसका ट्यूमर मार्कर है? GI ट्रैक्ट एंड ओवरी, GO। GI ट्रैक्ट इंटेस्टाइन का, मान लीजिए कैंसर हो रहा है, कोलन का कैंसर हो रहा है, तो वहाँ पर है जो CA125 ट्यूमर मार्कर यूज किया जाता है, ठीक है। ओवरी के लिए CA125, मैंने ट्रिक बता दी आपको, CA गो। HCG जो किया जाता है, HCG के लिए फॉर टेस्टिस कैंसर के लिए, HCG और कई सारे कैंसर से उनके लिए भी किया जाता है, बट मैंने आपको सिर्फ यहाँ समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है। तो HCG इज द ट्यूमर मार्कर फॉर द टेस्टिस कैंसर। PSA की अपन बात करें, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, तो ये किसके लिए किया जाता है? प्रोस्टेट कैंसर के लिए, जिसमें शायद मेरे ख्याल से 2 माइक्रोग्राम ऐसा कुछ है इसकी वैल्यू, जिससे अबव होती उसको कैंसर के लिए कंसिडर किया जाता है कि कैंसर हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, विच लिम्फ नोड फर्स्ट इन्वॉल्व इन हॉकिंग्स डिजीज। जो हॉकिंग लिम्फोमा होता है, उसमें कौन सा लिम्फ नोड है जो फर्स्टली इन्वॉल्व होता है? सर्वाइकल लिम्फ नोड, थोराक्सिक एक्जिलरी और ग्रोइन। तो इसकी बात करें अपन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वाइकल लिम्फ नोड जो इसमें सबसे पहले इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सर्वाइकल जिसमें अपन बोलते हैं सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी जो होती है, पेनलेस लिम्फ एडिनोपैथी ऑफ द सर्वाइकल रीजन, ठीक है। तो इसका फर्स्ट साइन यही होता है हॉडकिंस लिम्फोमा का। ओके, वेयर इज लोकेटेड गेटवे ऑफ इंडिया? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? बम्बई में है, मैं जाकर भी आया हूँ, आप भी कई सारे स्टूडेंट जाकर आए होंगे वहाँ पर, अच्छी जगह है वैसे। देखिए, ए क्लाइंट वो हैज हेड ए स्ट्रोक बट डज नॉट अटेम्प्ट टू वर्बली रेस्पॉन्ड टू द नर्सेज क्वेश्चन। देखिए, एक पेशेंट जिसको स्ट्रोक हुआ है, ठीक है,
लेकिन वो नर्सेज का रेस्पॉन्ड नहीं दे पा रहा है, बट डज नॉट अटेम्प्ट वर्बली रेस्पॉन्ड टू द नर्सेज क्वेश्चन, यानी कि जो नर्स पूछ रही है, मान लीजिए नर्स ने पूछा कि आपने खाना खा लिया क्या, यू हैड ए फूड, नर्स ने पूछा यू हैड ए फूड, तो वो समझ तो गया क्लाइंट कि नर्स क्या कह रही है, नर्स ये कह रही है जैसे कि आपने खाना खा लिया, क्लाइंट समझ गया, पेशेंट समझ गया, लेकिन क्लाइंट वापस वर्बली रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा कि मैंने खाना खा लिया, हाँ मैंने खाना खा लिया, यस आई हैड फूड, ऐसे नहीं कर पा रहा वो, किस वजह से? आगे पढ़ी क्वेश्चन, द क्लाइंट फॉलो इंस्ट्रक्शन विदाउट एनी प्रॉब्लम, द नर्स अंडरस्टैंड दैट द क्लाइंट इज डिस्प्लेइंग सिम्टम कंसिस्टेंट विद, अब देखिए ऐसी कंडीशन हो रही है कि क्लाइंट को अपन पूछ रहे हैं कि आपने खाना खा लिया क्या, लेकिन क्लाइंट जवाब नहीं दे पा रहा, वो समझ रहा लेकिन जवाब नहीं दे पा रहा, तो अब नर्स को समझना है कि व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है, रिसेप्टिव एफेजिया, क्या हो सकती है, रिसेप्टिव एफेजिया, ग्लोबल एफेजिया, एक्सप्रेसिव एफेजिया, बोथ रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव एफेजिया। देखिए यहाँ मैं आपको समझाता हूँ, बड़े आसानी तरीके से समझाता हूँ, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव आपको इन दोनों वर्ड्स को समझना है। रिसेप्टिव यानी जो रिसेप्ट नहीं कर पा रहा इंस्ट्रक्शन को, रिसीव्ड नहीं कर पा रहा, रिसेप्टिव का मतलब जो रिसीव्ड नहीं कर पा रहा सामने वाले के इंस्ट्रक्शन को, तो वो वाली कौन सी कंडीशन हो जाएगी, देखिए वो नर्स ने पूछा कि आपने खाना खा लिया क्या, तो क्लाइंट समझ ही नहीं पाया और वो दूसरा जवाब दे रहा है, हाँ मैं नहा लिया, मैंने नहा लिया, मैंने गाना सुन लिया, मैंने सो लिया, और अदर जवाब दे रहा है, जबकि नर्स पूछ रही है कि आपने खाना खा लिया क्या, वो समझ नहीं पाया कि नर्स क्या पूछ रही है, वो एक्सप्रेस कर पा रहा अपनी फीलिंग्स को लेकिन वो कम्युनिकेट अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा क्योंकि समझ नहीं रहा वो कि नर्स क्या पूछ रही है, ठीक है। तो रिसेप्टिव एफेजिया में क्या है, वो रिसेप्ट रिसीव्ड नहीं कर पा रहा कि नर्स क्या पूछ रही है, ठीक है। अब बात आती है एक्सप्रेसिव एफेजिया की, एक्सप्रेसिव एफेजिया में क्या होता है, नर्स ने पूछा कि आपने खाना खा लिया क्या, वो समझ गया, क्लाइंट अपने इंटरनली समझ गया लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि मैं कैसे बताऊँ, बोल नहीं पा रहा, कारण क्या है, ये क्या है एफेजिया, क्या है एफेजिया, है मोटर डिसऑर्डर, मोटर डिसऑर्डर यानी वो एक तरह से बॉडी लैंग्वेज से उसको बता नहीं पा रहा या वर्बली उस कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा पेशेंट नर्स के साथ में, ठीक है। तो एक्स रिसेप्टिव में क्या था, वो नर्स के इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड नहीं कर पा रहा, एक्सप्रेसिव में क्या है, वो नर्स के इंस्ट्रक्शन तो रिसीव्ड कर रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। अब अपन बात करते हैं ग्लोबल एफेजिया की, ग्लोबल एफेजिया में क्या होता है, दोनों ही कंडीशन हो जाती है, वो ना तो रिसीव्ड कर पाता नर्सेज के इंस्ट्रक्शन और ना ही एक्सप्रेस कर पाता। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, डज नॉट अटेम्प्ट टू वर्बली रेस्पॉन्ड टू द नर्सेज क्वेश्चन, यानी कि नर्सेज के क्वेश्चन को वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, तो ये कौन सा है, एक्सप्रेसिव एफेजिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एक्सप्रेसिव एफेजिया। अब देखिए मैंने रेशनल भी अच्छा सा दिया यहाँ पर, एक्सप्रेसिव एफेजिया इज अकर्ड इंजर्ड इन द ब्रोकाज एरिया। देखिए ब्रोकाज मोटर एरिया होता है, ब्रेन में कहाँ होता है, ये फ्रंटल लोब में होता है, ब्रोकाज मोटर एरिया होता है जो फ्रंटल लोब में होता है। एक्सप्रेसिव एफेजिया मीन्स पेशेंट इज अंडरस्टैंडिंग एवरी इंस्ट्रक्शन ऑफ द नर्सेज बट ही इज हर नॉट एबल टू एक्सप्रेस अवन फीलिंग और कम्युनिकेशन टू द नर्स। अच्छे समझ में आ गए, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लिखा है मैंने स्टूडेंट की लैंग्वेज। रिसेप्टिव एफेजिया की बात करें तो रिसेप्टिव एफेजिया मीन्स डज नॉट अंडरस्टैंड नर्सेज इंस्ट्रक्शन, यानी कि नर्सेज के इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टूड नहीं कर पा रहा बट ही इज हर एबल टू एक्सप्रेस अवन कम्युनिकेशन एंड फीलिंग्स टू द नर्स। ग्लोबल एफेजिया की बात करें तो बोथ एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल विद ए डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस विच सिम्टम अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड शुड बी मॉनिटर बाय द नर्स। ठीक है, एक क्लाइंट एडमिट हुआ है डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस का। देखिए पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में भी मेरे को डाउट बोलता, पाइलोनेफ्राइटिस में एक तरह से देखिए इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं, लो ग्रेड फीवर भी इसका साइलेंट सिम्टम होगा, जो क्लिनिकल फीचर की बात करें मैं उस जो मॉनिटर बाय, और इसका फ्लैंक पेन ऑन द अफेक्टेड साइड ये भी होगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसमें ए और सी दोनों ही होने चाहिए, बोथ क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट इन एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, लो ग्रेड फीवर भी होगा और फ्लैंक पेन ऑन द अफेक्टेड साइड भी होगा। फॉलोइंग एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इन विच ए क्लाइंट सस्टेंड सीवियर क्रेनियो सेरेब्रल ट्रोमा, द क्लाइंट डेवलप द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक इंसिपिडस। डायबिटिक इंसिपिडस हो गया, आपको पता होना चाहिए एक पेशेंट है जो ट्रोमा में एक्सीडेंट हुआ है और उसके कुछ सेरेब्रल
ट्रोमा जो है, जिसकी वजह से क्या हो गया उसके, डायबिटीज इंसिपिडस। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डायबिटीज इंसिपिडस। ए नर्स सस्पेक्ट दिस कॉम्प्लिकेशन इज अकरिंग व्हेन ऑब्जर्विंग विच सिम्टम। अब देखिए, अब नर्स कैसे सस्पेक्ट करेगी कि ऐसा हो गया उसके, ऐसा कौन सा सिम्टम होगा। अब देखिए आप ऑप्शन देखिए, हाइपरग्लाइसीमिया, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिनरी आउटपुट, एलिवेटेड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिक्रीज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट। आपको पता है डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है। डायबिटीज इंसिपिडस में जब ब्रेन के जब पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस एड्रिनल एक्सिस पीएच एक्सिस होता है, या सॉरी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस एचपीए एक्सिस होता है, इसमें अगर कुछ डिफॉर्मिटीज हो जाती है, चोट हो जाती है, तो क्या होता है, जैसे डायबिटीज इंसिपिडस किसी वजह एडीएच हार्मोन जो एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है उसका लेवल कम हो जाता है। उसका लेवल कम होने की वजह से क्या होगा, यूरिन कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। यूरिन कंसंट्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सेसिव जो अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रेट होगा। इसी एडीएच हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, वेजोप्रेसिन। ठीक है, या रेशनल देखिए आप, बिकॉज वी नाउ दैट डायबिटीज इंसिपिडस अकर ड्यू टू लैक ऑफ वेजोप्रेसिन हार्मोन और एडीएच हार्मोन दैट सिक्रेटेड बाई हाइपोथैलेमस एंड स्टोरेज एट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड व्हेन इट इज नीडेड देन इट विल रिलीज बाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए सीक्रेट कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से होता है, और स्टोरेज कहाँ होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में इसका स्टोरेज होता है। व्हेन इट इज नीडेड देन इट विल रिलीज बाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बाय द एक्शन ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एचपीए एक्सिस। सो एडीएच इज कंसेंट्रेटिंग यूरिन एंड इन दैट केस ड्यू टू इंजरी एडीएच डेफिशिएंसी अकर्ड, सो लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन इज द राइट आंसर, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ एडीएच किडनी ट्यूबुल टू रीअब्जॉर्ब फ्लूड एट ट्यूबुल्स, नॉट रीअब्जॉर्ब टू की जगह नॉट रीअब्जॉर्ब फ्लूड एट ट्यूबुल्स, अनेबल टू रीअब्जॉर्ब फ्लूड एट ट्यूबुल्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए नर्स इज असेसिंग ए ब्लड प्रेशर ऑफ एन अडल्ट क्लाइंट विद एन मैनुअल स्पिगमोमीटर। देखिए मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, एक नर्स एक पेशेंट का मैनुअली ब्लड प्रेशर मेजर कर रही है। सबसे पहले उसको जो साउंड सुनाई देता है वो साउंड, एक नर्स ने 180 तक है जो कप को प्रेशराइज कर लिया है, उसमें प्रेशर दे दिया है। उसके बाद में जैसे ही वो धीरे धीरे उसको कम करती है 2 mm पर सेकंड के हिसाब से जैसे उसको कम करती है, उसको फर्स्ट साउंड सुनाई देता है 162 पर, 162 mm ओएसजी पर उसको फर्स्ट साउंड, हियर द फर्स्ट रेपिंग साउंड। ठीक है, और लास्ट उसको साउंड सुनाई देता है 94 mm ओएसजी पर, लास्ट ये साउंड 94 mm ऑफ एचजी पर। इसमें कुछ और कंडीशन दे रखी है, वो आप देख सकते हो कि उसमें काफ़ी लंबा है। तो इसका ये अपना इंटरप्रेट क्या करना है, द नर्स शुड डॉक्यूमेंट द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट। क्या उसका ब्लड प्रेशर होगा, उसका ब्लड प्रेशर होगा, देखिए कभी भी ध्यान रखना, जो क्रोटोकोप जो क्रोटोकोप साउंड है, ये क्रोटोकोप साउंड जो फर्स्ट सुनाई देगा आपको वो होगा दिस इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो लास्ट सुनाई देगा आपको वो होगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सबसे पहले कब सुनाई दिया, 162 पर, लास्ट कब सुनाई दिया 94 पर, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा 162 94 mm ऑफ एचजी। ठीक है, मैंने और यहाँ प्रेशन बिकॉज वी नाउ दैट फर्स्ट अपीयरेंस या फर्स्ट ईयर ऑफ क्रोटोकोप साउंड इट रिफ्लेक्ट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड लास्ट क्रोटोकोप रिफ्लेक्ट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इन दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज 162 94 mm ऑफ एचजी। ठीक है, आफ्टर ए कार पेडेस्ट्रियन एक्सीडेंट, काफी लंबे लंबे क्वेश्चन आए हुए जीवन में। आफ्टर ए कार पेडेस्ट्रियन एक्सीडेंट ए पेडेस्ट्रियन क्लाइंट इज ब्राउट टू द इमरजेंसी रूम, द क्लाइंट इज अलर्ट एंड ओरिएंटेड बट कंप्लेन ऑफ डिस्नियम। ठीक है, एक पेशेंट है जो एक्सीडेंट के बाद में आपके इमरजेंसी वार्ड में आया है, बट पेशेंट कंप्लेन कर ओरिएंटेड और अलर्ट है, लेकिन कंप्लेन कर रहा है डिस्निया की। उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते हैं तो 88 to 99% सेचुरेशन आता है, बट ऑक्सीजन अप्लाइड और फिर भी उस कंडीशन 88-90% आ रहा है, तो नर्स उसके ऑक्सीजन कनेक्ट करती है 2 liter पर हावर पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, नेजल कैनुला विथ नो इम्प्रूवमेंट इन SpO2, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन पर मास्क, अब नर्स उसके बाद में क्या करती है, ऑक्सीजन वाया मास्क कनेक्ट करती है विथ 40% ऑफ कंसेंट्रेंस। ठीक है, विथ लिटिल इंप्रूवमेंट। रेडियोग्राफ फिल्म्स रिवेल नो ऑब्वियस इंजरी और फ्रैक्चर्स। ऐसा रेडियोग्राफ यानी कि एक्सरे सिटी स्कैन से पता लगा है कि ऐसा कुछ भी फ्रैक्चर्स या और कुछ इंजरीज नहीं है। सडनली द क्लाइंट लॉस कॉन्शियसनेस, लेकिन क्लाइंट क्या है, सडनली बेहोश हो जाता है, हैज ए रेस्पिरेटरी अरेस्ट, उसके बाद में रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो जाता है, सब्सिक्वेंटली डेज, उसके बाद पेशेंट डेथ तक हो जाती है। ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी अरेस्ट रिसेसिटेशन इट इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग, यानी जब वो
रेस्पिरेटरी अरेस्ट वाली कंडीशन था, तब सीपीआर दे रहे थे, जब पेशेंट को सीपीआर दिया जा रहा था तब पता चला कि देट द नर्स फेल्ड टू ओपन द वाल्व टू द ऑक्सीजन टेंट, कि नर्स ने जो ऑक्सीजन कनेक्ट किया था उसका उस जो उसका वॉल जो सप्लाई थी उसका वॉल ही ओपन नहीं किया। द नर्स फेल्ड टू ओपन द वॉल ऑक्सीजन टैंक वॉल। द क्लाइंट हैड नॉट बीन रिसीविंग ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्लाइंट को कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही थी, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर नहीं हो रही थी। व्हाट इज द की एथिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन। देखिए एक इथिकल प्रिंसिपल या इथिकल सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, नॉन मालिफिशेंस हो जाएगा। ठीक है, नॉन मालिफिशेंस क्या होता है, डू नॉट हार्म टू द पेशेंट। ठीक है, दिस इज द नॉन मालिफिशेंस। अब यहाँ पर अगर टॉट की अगर अपन बात करेंगे, अगर नर्स के ऊपर अगर कोई केस लगेगा तो क्या होगा, नर्स के ऊपर अगर केस लगेगा दिस इज क्या है, ये क्या चीज़ है, नेग्लिजेंस, दिस इज नेग्लिजेंस। ठीक है, बट यहाँ पर सिर्फ इथिकल प्रिंसिपल का पूछा है तो यहाँ पर राइट आंसर इज द ए, नॉन मालिफिशेंस इज द डू नॉट हार्म टू द पेशेंट्स, दिस इज इथिकल प्रिंसिपल। बट दिस कंडीशन नर्स आल्सो लाइबल टू नेग्लिजेंस बिकॉज इन दैट केस नर्स नॉट एबल टू परफॉर्म रीजनेबल एक्ट। ओके माई डियर, आई थिंक यू आर अंडरस्टूड इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच असेसमेंट फाइंडिंग शुड ए नर्स एक्सपेक्ट फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिनाइल फेरिन आई ड्रॉप्स टू परफॉर्म एन ऑप्थेल्मोस्कोपिक आई एग्जामिनेशन। देखिए एक पेशेंट है, उसके फिनाइलफेरिन आई ड्रॉप एडमिनिस्टर की है, तो क्या एक्सपेक्टेड फाइंडिंग आपको जो देखना है पेशेंट में, ट्रेमर, हाइपोटेंशन, पीपल मायोसिस, पीपल माइडाइटिस। देखिए जो फिनाइलफेरिन है ये कौन सी ड्रग से, ये पीपल माइडाइटिस करती है, यानी कि डायलेशन ऑफ पीपल करती है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, वेरियस चिल्ड्रन आर बींग सीन इन द क्लिनिक फॉर वेल बेबी चेक्स बाई वॉट एज शुड ए नर्स एक्सपेक्ट ए क्लाइंट टू बिगिन टू यूज सिंपल वर्ड्स टू कम्युनिकेट नीड्स। देख इसका राइट आंसर होगा, सिंपल वर्ड की बात कर रहा है कि कितनी एज पर सिंपल वर्ड यूज करने ज़्यादा लग जाएगा, एज होगा एज 10 to 12 months। देखिए इसमें 1 to 2 ये भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा कुछ लेंथी वर्ड या यस नो ये सब चीज़ें समझने लग जाता है। बट यहाँ पर बिगिन टू यूज़, देखिए क्वेश्चन समझना, बिगिन टू यूज़ सिंपल वर्ड, सिंपल वर्ड का शुरुआत कब से कर देता है, तो बिगिन टू यूज की बात करेंगे तो अपन क्या होगा, एज 10 to 12 months। अब 10 to 12 months भी मैंने आपको अच्छे से समझाया। देखिए बेबी बिगिन टू टॉक एट 12 to 18 months ऑफ एज, बट एंड मोस्ट ऑफ बेबीज से ए सिंपल वर्ड्स लाइक एज माँ दा पा एट 9 months ऑफ एज एंड मामा पापा दादा बाय द एंड ऑफ द 12 months। सो इन दिस क्वेश्चन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 10 to 12 months। एक से 1 to 2 years भी माना जा सकता है, मैं श्योर नहीं कह रहा कि 1 to 2 years नहीं है, बाकी जो क्वेश्चन कह रहा बिगिन टू यूज सिंपल वर्ड्स, तो बिगिन टू यूज सिंपल वर्ड्स के हिसाब से आई थिंक एज पर माई ओपिनियन 10 to 12 months ही इसका राइट आंसर होना चाहिए, बाकी जिपमर को ज़्यादा पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एन एक्सपीरियंस्ड नर्स एक्सप्लेन टू ए न्यू नर्स दैट द डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज इन ऑल द डेफिनेटिव डायग्नोसिस की अगर अपन बात करेंगे किसी भी चीज़ की तो उस पर ही जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ये कैंसर वाली कंडीशन में माना जाता है, बट फिर भी बायोप्सी के साथ में ऑप्शन क्या इंक्लूड हो रखा है वो देखिए आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में, अपर गेस्ट्रो इंटेस्टाइन इंडोस्कोपी विजुलाइजेशन ऑफ द एंटायर पार्ट ऑफ द स्टोमक इज द डायग्नोसिस, इज द डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज द विजुलाइजेशन। यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देख सकते हो रेशनल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्लाइंट प्रेजेंट विथ ए मेनिंजियोमा एंड सिम्टम ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, विच मैनिफेस्टेशन शुड ए नर्स लिस्ट एक्सपेक्ट टू फाइंड ऑन असेसमेंट ऑफ दिस क्लाइंट। देखिए लिस्ट की बात कर रहा है, ये से वर्ड होते हैं जो आपको गलतियाँ करवाते हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, लास्ट तक पढ़ा करो, लिस्ट लास्ट प्रायोरिटी एटलीस्ट एक्सेप्ट मोस्ट लिस्ट, ये ऐसे वर्ड है जहाँ से आपको चूज करना है। लिस्ट एक्सपेक्ट टू ऑन दिस फाइंडिंग ऑफ दिस क्लाइंट, देख के चारों ही ऑप्शन है वो इनक्रीड आईसीपी में नोटेड किए जाते हैं, सिम्टम ऑफ इनक्रीड आईसीपी। तो इसमें देख ऑल ऑप्शन आंसर आर आंसर विथ रेशनल, ऑल ऑप्शन आर क्लिनिकल फीचर ऑफ इंक्रीड आईसीपी। हेडेक भी होता है, वोमिटिंग भी होता है, पायरेक्सिया भी होता है और पेपिलोडिमा भी होता है। लेकिन अब यहाँ पर देखें अर्ली स्टेज में पायरेक्सिया नहीं होता, पायरेक्सिया थोड़ा लेटर या मिडिल स्टेज की अपन बात करेंगे तो उसमें होता है। आईसीपी मैंने पहले भी आपको ट्रिक बताई थी कि आईसीपी में पैरामीटर्स यानी कि वाइटल साइन पर क्या फर्क पड़ता है, वाइटल साइन की आईसीपी में बात करूँ तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बी टी
PR भरतपुर, भरतपुर राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से इसकी ट्रिक बनाई है मैंने। BTPR जो इसमें फर्स्ट BT है, यह है ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर है, और लास्ट के PR वो पल्स और रेस्पिरेशन है। BT ये फर्स्ट का जो दोनों वर्ड है ये इंक्रीज होते हैं ICP में, और लास्ट के दोनों वर्ड है वो डिक्रीज होते हैं, ठीक है। बी से ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अब ध्यान दीजिए, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, सिस्टोलिक नहीं हो रहा तो क्या होगा, जो पल्स प्रेशर है, पल्स प्रेशर वो बढ़ेगा या घटेगा, तो पल्स प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। दिस इज द पॉइंट, ठीक है, इसको नोट करना, दिस इज द नोटेड ना। अगर डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ रहा है तो पल्स प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ गया, दोनों चीज़ बढ़ गई, उसके बाद में पल्स की और रेस्पिरेशन की बात आती है, ये घटते हैं। पल्स यानी घट रही है, यानी कि ब्रेडीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया जो लेट साइन ऑफ द इंक्रीज ICP का होता है, रेस्पिरेशन इसमें घटता है। तो टेम्परेचर भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, अपने ऑप्शन में पायरेक्सिया है, तो ये भी होता है कि नहीं होता है ICP में, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा लेट होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में पायरेक्सिया भी ऑप्शन में आंसर माना जा सकता है। आई एम नॉट श्योर, बट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है, इसके चारों ऑप्शन ही इंक्रीज ICP में सीन होते हैं। ए 39 ईयर ओल्ड क्लाइंट प्रेजेंट इन एक्टिव लेबर, द क्लाइंट इज ब्रीथिंग रेपिडली एंड हैविंग डिफिकल्टी कोपिंग विद द कॉन्ट्रैक्शंस, बेस्ड ऑन दिस असेसमेंट व्हाट वुड ए नर्स प्रेडिक्ट शुड अकर इफ इंटरवेंशंस आर नॉट इनिशिएटेड इमीडिएटली। देखिए सिंपल सा है, एक 39 वीक पर एक लेडी है जो एडमिट है आपके एक्टिव लेबर में, वो फ्रिक्वेंटली ब्रीथिंग कर रही है, रेपिडली ब्रीथिंग कर रही है, तो सिंपल है उसका CO2 बाहर जा रहा है, CO2 बाहर जा रहा है, तो देखिए अपने क्या होता है CO2 और pH में क्या रिलेशन होता है, अगर CO2 बढ़ेगा तो pH घटेगा, ये रिलेशन है। आपको भी ऐसा ही पढ़ाया गया होगा आपके टीचरों ने, आज मैं भी आपको वैसा ही पढ़ा रहा हूँ कि जब CO2 बाहर बढ़ेगा तो pH घटेगा, और अगर CO2 घटेगा तो pH बढ़ेगा, सिंपल सा है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक क्लाइंट है एक्टिव लेबर में, वो एक्सेसिवली ब्रीथिंग कर रही, रेपिडली ब्रीथिंग कर रही है पेशेंट, तो क्या होगा, उसका CO2 बाहर जा रहा है, यानी कि CO2 घट रहा है, CO2 बाहर जा रहा है तो बॉडी से, तो CO2 बाहर जा रहा है तो बॉडी में तो CO2 घट रहा है ना, तो क्या होगा, CO2 को घटा दो अपने, इधर घटा दिया तो इधर का क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, क्या pH बढ़ गया, क्या हो गया, pH बढ़ गया, CO2 घट गया, pH बढ़ गया, इसका मतलब किससे, पहली बात तो किससे रिलेटेड है, रेस्पायरेटरी से, मेटाबॉलिक से रिलेटेड होता है, तब जब बाइकार्बोनेट का कुछ चेंजेस होता है, तब यहाँ बाइकार्बोनेट का कोई रोल नहीं हो रहा, अभी सिर्फ रेस्पायरेटरी से रिलेटेड है, रेस्पायरेटरी से रिलेटेड है, यानी कि क्या हुआ, CO2 घट गया आपकी बॉडी में, pH बढ़ गया, pH बढ़ा हुआ तो क्या होगा, एल्केलोसिस, और किस रिलेटेड है, रेस्पायरेटरी, तो राइट आंसर क्या होगा, रेस्पायरेटरी एल्केलोसिस, राइट आंसर इज द 2, रेस्पायरेटरी एल्केलोसिस। द फैमिली ऑफ ए क्लाइंट हु इज शेड्यूल्ड फॉर इमरजेंसी सर्जरी फॉलोइंग एन एक्सीडेंट आस्क इफ द दे कैन डोनेट ब्लड फॉर द क्लाइंट, द क्लाइंट्स ब्लड टाइप इज बी नेगेटिव। देखिए कुछ भी हो, क्वेश्चन कैसा भी हो, हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ इस क्वेश्चन का। अब आपके पास कोई भी मरीज आता है इमरजेंसी सिचुएशन में, आपके पास में टाइम कम होता है और आप उस कंडीशन में क्रॉस मैच नहीं कर सकते, सैंपल नहीं ले सकते, आपको इमीडिएटली सर्जरी करनी हो, तो ऐसी कंडीशन में आप कौन सा ब्लड उसके लगा सकते हो पेशेंट के, क्वेश्चन यही कह रहा है जो मैंने आपको बोला है, तो उस कंडीशन में आप क्या लगाते हो, टाइप ओ नेगेटिव ब्लड आप जो एक तरह से यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी लगा सकते हैं, तो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओ नेगेटिव। ए नर्स हैज रिव्यूड द अपर आर्म ब्लड प्रेशर रिजल्ट्स फॉर मल्टीपल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 3 and 5 years, विच BP रीडिंग शुड द नर्स इवैल्यूएट एज बीइंग एन एबनॉर्मल BP फॉर दिस एज ग्रुप। देखिए अबनॉर्मल BP फॉर दिस एज ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ रेशनल से समझो आप, द 1 to 2 ऑप्शन ए फॉर 1 to 2 year एज ग्रुप। देख क्वेश्चन, बेबी है, बच्चा आपका 3 to 5 years का बेबी है, उसका ब्लड ग्रुप अबनॉर्मल कौन सा होगा, ठीक है, अबनॉर्मल की मैंने टिक किया है बी पर, 157 जो एम एम जी है वो अबनॉर्मल। अब देखिए 1 to 2 years ऑफ एज ग्रुप का बी ब्लड प्रेशर है कौन सा, 96 to 42 mmHg, बी ऑप्शन है 3 to 4 years ऑफ एज, ठीक है, 3 to 4 years ऑफ एज। ऑप्शन सी एंड डी है फॉर अबोव 8 year एज ग्रुप, ठीक है। अब देखिए जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, ये नॉर्मल है, यहाँ पर एक उठा दो आप, मेरे ख्याल से क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर नॉर्मल BP फॉर दिस एज ग्रुप, नॉर्मल BP पे 101 to 57 mmHg। अब ये से हो सकता है नॉर्मल BP ऑफ फॉर दिस एज ग्रुप पूछा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अदर ऑप्शन है वो सब जो अलग अलग एज ग्रुप के लिए है। विच रिजल्ट शुड ए नर्स एक्सपेक्ट इफ ए चाइल्ड
ए 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड्स विजुअल एक्यूनिटी टेस्ट इज नॉर्मल फॉर द चाइल्ड्स डेवलपमेंटल एज। देखिए 4 साल के बच्चे की जो विजुअल एक्यूनिटी होती है, जो आई की जो रोशनी की अपन बात करें, तो वो कौन सी होगी अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल एज, वो होगी 40/40, 40/40। देख इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा नहीं समझता तो आपको इतना अंडरस्टैंड नहीं करवा पाऊँगा, ठीक है। चिल्ड्रन आर रेफर टू एन ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट इफ देयर विजुअल एक्यूनिटी इज लेस देन 20/50 व्हेन दे आर 3 ईयर ओल्ड, लेस देन 20/40 व्हेन दे आर 4 ईयर ओल्ड एंड लेस देन 20/30 व्हेन दे आर 5 ईयर ओल्ड, ठीक है। इस वीडियो में अपन ने बात की है 20 क्वेश्चन की, नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन की अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको रेशनल अच्छे लगे होंगे, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की आपको सभी क्वेश्चन, और अगर कुछ कहीं पर कुछ डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आपके व्यू, आपके सजेशन एक्सेप्टेबल है, मैं आपके कमेंट्स रिव्यू करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से स्टूडेंट लैंग्वेज में समझाने की, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारे पास स्किल टेस्ट मटेरियल तैयार हो चुका है एम्स नागपुर पटना जीपन बीएचयू के लिए। अगर कोई भी स्टूडेंट स्किल टेस्ट मटेरियल परचेज करना चाहता है बहुत ही मिनिमम अफोर्डेबल फीस में, तो वो हमारे से कांटेक्ट कर सकता है। हमारे कांटेक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपका दोस्त एम एल सनी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नरसिंह।